आज देश भर में तीज उत्सव की धूम देखने को मिली। तो वहीं ऐसा ही एक नजारा द्वारका सेक्टर 13 में स्थित बियॉन्ड लाइंस कैफे में भी देखने को मिला, जहां पर 50 से अधिक महिलाओं ने तीज उत्सव की त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। सोनिया चोपड़ा द्वारका से यहाँ मैं आज आई हूँ। मुझे बुलाया गया है, वुमन एंटरप्रेनर ग्रुप है, फेसबुक पे नए हैं और अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। और वुमेन को उनका जो होमली बिजनेस करती हैं उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म है और तीज का ये इवेंट आज सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ पे। मुझे इनवाइट किया है शिलू त्यागी जी ने, मेघना एंड ज्योति जी ने, ये लोग फैशन दीवाज हैं। और मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट, शिलू जी, ज्योति जी, इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सुंदर सुंदर स्टॉल्स लगाए हुए हैं और सब लोग लेडीज़ बहुत अच्छे से तैयार होके आई हुई हैं। ये बहुत अच्छा फील दे रहा है। एक इसका आयोजन शिलू त्यागी, ज्योति सेठ और मेघना खुराना ने किया, जिनका उद्देश्य सभी को एक साथ इकट्ठा करना और इस त्योहार को मनाना। हेलो, मैं परमप्रीत, मैं जनकपुरी से आई हूँ। ये ईडब्ल्यूई की तरफ से ये है, मेरी फ्रेंड्स हैं ज्योति, शीलू और मेघना ने ये अरेंजमेंट किया है। तीज का फेस्टिवल बहुत अच्छा इवेंट है, सब बहुत अच्छे से तैयार होकर आए हैं। देखिए, एक हमारी फ्रेंड है पूर्णिमा, इसको देखिए, एकदम शोल्डर श्रृंगार करके एकदम दुल्हन बन के आई है, पूरी तरह से जस्टिफाई करी है, तीज के लिए आई हैं ये एकदम दुल्हन बन के। और बहुत अच्छा है, इंतज़ाम बहुत अच्छा है, सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मेरी बेस्ट विशेज़ है इन लोगों के लिए, इन लोग आगे वाले हर इवेंट में ऐसे ही अच्छे से करें, और बेस्ट विशेज़ के साथ ऑल द बेस्ट। इसको हमें लगा करीब 1 मंथ में हमने सारा रेडी किया जी। हम तीनों ने बैठा, मीटिंग की और सोचा कि लेडीज़ को नया प्लेटफॉर्म देते हैं और कुछ अच्छे से उनके लिए प्लान करते हैं, तीज उत्सव मनाते हैं। तो काफ़ी दूर से लेडीज़ आई हैं, जैसे एक तो शक्करपुर से आई है, ट्रांसजमुना से आई है, नोएडा से आई हैं और ये गुड़गांव से आई हैं। काफ़ी दूर दूर से लेडीज़ आई हैं, सबने करीब 50 के करीब लेडीज़ यहाँ पर हैं। तो पहली जो झलक है तीज उत्सव के साथ मनाई है, तो आने वाले जितने भी त्यौहार है तो सबको सेलिब्रेट साथ में करने वाले हैं। हाँ जी, सबको हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। जितने भी यहाँ पे वुमन है, सबके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि तीज को बड़े अच्छे से मनाएं, ये सुहाग का त्यौहार है, खूब अच्छे से लेडीज अब उसको सेलिब्रेट करें, अच्छे से मनाएं। बस मैं यही विशेष देना चाहूँगी सबको। इस मौके पर सभी महिलाओं ने रैंप वॉक करके अपनी कला का जलवा बिखेरा और खेलों के साथ इस त्योहार को मनाया। तीज का त्यौहार सबसे पहले तो ये सावन के महीने में आता है, और सावन के महीने में शिव जी और पार्वती जी का जो मिलन हुआ था उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एक त्यौहार है जो उसको आगमन को, वर्षा ऋतु के आगमन को भी काफ़ी प्रतीक है, तो इसलिए बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। और आज मैं यहाँ पर आके बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मेरी तीन फ्रेंड जो है, शीलू, ज्योति एंड मेघना, इन तीनों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है और बहुत ही जोशीली महिलाएं हैं ये तीनों, और मेरी तो बहुत अच्छी दोस्त है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस इवेंट में आकर, और इनको देखकर, इनके साथ पार्टिसिपेशन करके, इन्होंने मुझे इतने अच्छे प्यार से बुलाया, इन्वाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, आज इतना सारा क्राउड यहाँ पर है और सब बहुत अच्छे से तैयार होके आए हैं, सुंदर लग रही हैं, लग रहा है कि 16 सिंगार करके आज पूरा मेरा फैमिली आई भी है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये मेरे लिए, कि एकदम से फैशन इंडस्ट्री से उठ के एकदम से एंटरप्रेन्योरशिप में आना बहुत अलग और अच्छी फीलिंग आ रही है। इसमें हमने बहुत सारी गेम्स ऑर्गेनाइज करी हुई हैं, इसके अलावा इसके अंदर स्टॉल्स लगी हुई हैं, डिफरेंट लोगों ने स्टॉल्स लगा रखी हैं, और कुछ लोगों की बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हैं, मतलब बहुत अच्छा इवेंट होगा। शीलू त्यागी ने बताया कि हमें 2 महीने से अधिक टाइम लगा इसका आयोजन करने में, और यहाँ द्वारका ही नहीं बल्कि दिल्ली NCR से महिलाएं आई हैं, जिनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। वही शो की दूसरी आयोजिका ज्योति सेठ ने अपने सभी स्पॉन्सर्स का धन्यवाद किया, जिन्होंने इस इवेंट को सपोर्ट करने में अपनी बेहतरीन भूमिका निभाई। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, वी आर गेस्ट हैं हम यहाँ पे, अभी देखते हैं कि आगे देखने से तो लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा,
और जिस तरह से सब लोगों की तैयारी है वो लग रहा है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे आके, क्योंकि इतना अच्छा अरेंजमेंट है और बहुत छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आज परफॉर्म करने वाले हैं, तो उनको देख के इतनी खुशी हो रही है कि हम लेडीज़ में तो जो उत्साह है वो है, छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत उत्साह है, वो इतने अच्छे से रेडी होके आए हैं, तो सीरियसली बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। आई विश यू अ वेरी हैप्पी तीज टू एवरीवन। I just want to say that I am feeling very blessed that I have a wonderful friend like Sonia Chopra. Thank you. Who is very supporting, very hardworking, very loving, very kind-hearted, and I love her work. इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रेडी किया है, मैं बिल्कुल खुश हूँ इनके मेकअप से और इनके हेयर डू से। मैं इस ग्रुप के साथ अभी फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ और मुझे ये स्टॉल लगा के बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मैंने फर्स्ट तीज एग्जीबिशन लगाई है। एक्चुअली दिस इज़ तीज इवेंट ऑर्गेनाइज बाय एलिट ग्रुप्स, एलिट एंटरप्रेन्योर्स क्लब एंड हाई स्काई क्लब इवेंट ग्रुप। सो माय फ्रेंड ज्योति ऑर्गेनाइज दिस थिंग, सो अच्छा लगा तीज को ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में, दैट्स व्हाई हम लोग सब आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड सी रिक्वेस्टेड मी फॉर द एंकर, एज ए एंकर टू होस्ट द इवेंट, सो एक अलग सा मुझे रिस्पेक्ट फील हुआ, सो आई एम हियर एंड दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी जिसमें हम सबको मिल सकते हैं। और आज यहाँ पे बियॉन्ड लाइन्स में एग्जीबिशन लगी है, उसमें ये मैंने हैंडलूम्स का स्टॉल लगाया हुआ है, इसके अंदर ऑल टाइप ऑफ हैंडलूम टाइप्स, होम फर्निशिंग आइटम्स मिलेंगे आपको।